नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बदौरिया। और करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकार के एक दर्जन से अधिक अधिकारियों की जांच विजिलेंस के माध्यम से की जा रही है। बता दें कि विजिलेंस के डायरेक्टर वी मुरुगेशन ने विजिलेंस के एसपी प्रहलाद मीणा समेत अन्य अधिकारियों के साथ हल्द्वानी में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विजिलेंस जांचों की स्टेटस रिपोर्ट देखी। साथ ही उन्होंने कहा है कि विजिलेंस उन अधिकारियों के खिलाफ अभी जाँच कर रही है जिनकी आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि दरोगा भर्ती घोटाले में भी विजिलेंस की जांच जारी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के निर्देश है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त है, उसे चलते एक 1064 हेल्पलाइन भी प्रारंभ किए हुए हैं। उस हेल्पलाइन में हमारे पास काफ़ी शिकायतें आती हैं, उस पर हम काम करते हैं। उसे उसके बाद उस पर बेसिस में जो इंफॉर्मेशन आता है, उस बेस में हम शासन के अनुमति के बाद FIR भी होता है, पुलिस जांच भी होता है। जो लॉन्ग पेंडिंग हमारा जो इन्वेस्टिगेशंस है और कुछ इंक्वायरीज है, उसको हमने आज रिव्यू किया है। एसपी साहब और हमारे अन्य लोगों को हमने मार्गदर्शन दिया है कि उसको सब जल्द से जल्द एक्सपेडाइट हो। जो दोषी हैं भ्रष्टाचार में, वो दोषी को कोर्ट में हम सजा दिला, ये हमारा मकसद है।